वो पूछना ये था मैं सुधर जाऊं या फिर ऐसे ही ठीक हूं। सो गया बचपन से बस। ऋषभ पंत भैया बिल्कुल नहीं सुधर सकते हैं। अच्छा, घोड़े को नहीं मिल रही है घास और गधे खा रहे हैं ससुरा चमन प्रास। और रोहित भैया क्या कह रहे हैं, देख 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 देख, ये होता है कप्तानी छोड़ने के बाद परफॉर्मेंस। भाई सच में मेरा खुद यही रिएक्शन था। अबे ये एक मैच के हैं। चीते की चाल, बाज की नजर और डीके भैया की फिनिशिंग पर बिल्कुल संदेह नहीं करते। 18-19-20 ओवरों में तो भैया जी पे पता नहीं कौन से बाबा बंगाली का जादू छा जाता है भाई साहब। अरे हाँ भाई हाँ। ना डरे ना जिम करे, ऋषभ पंत हूँ बेटा, अपॉर्चुनिटी वेस्ट करूं जब भी मन करे। इंग्लैंडियों ने इतना पेला ना, इतना पेला है नीदरलैंड वालों को। उधर नीदरलैंड वाले क्या कह रहे हैं, हम भी बना लेंगे 498, उसमें कौन सी बड़ी बात है। पूरी सीरीज में साउथ अफ्रीका की सिचुएशन ये रही है। चार मैचेस में चेजिंग 212 फुली स्माइली, चेजिंग 148 वो भी ठीक ठाक सा स्माइल था, चेजिंग 179 में हल्की हल्की आंसू निकली थी, लेकिन 169 के चेज में, 170 के चेज में तो भैया फूट फूट के रोए हैं अफ्रीका वाले। ओ यार। अच्छा कार्तिक भैया जब से रन बना रहे हैं ना, आरसीबी वाले यही कह रहे हैं मेरा पुत्र मेरा पुत्र, जान दे देंगे इसके लिए। डेथ ओवर्स में पावर हिटिंग करने की ये कोशिश रहती है। डीके भैया सिलेंडर उठा के ही ले चले हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। मॉर्गन भैया अलग ही सुट्टा मार के आते हैं भाई, टीम बना रही है 500, भैया जी अपना जीरो के साथ लगाव नहीं छोड़ा है भैया ने। दो मैच हारने के बाद लोगों ने सोचा इंडिया सीरीज हार गया, वो भी गंदे तरीके से, क्लीन स्वीप भी बोला था कईयों ने तो, लेकिन हम नहीं मरेंगे बे। उमरान मलिक बेटा यही सोच रहा है कि बेटा अगर मैं आ गया ना, तुम्हारे 4-5 प्लेयर्स की तो जरूर 13वीं की ससुरे पूरी खा के जाऊंगा, पूरी छोले। साले जिंदगी हो तो ऐसी, जिंदा तो झाट के बाल भी हैं। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का ये। 50% तेरा 50% मेरा, सीरीज डिसाइड करेंगे भैया जी संडे को। वापिस राखू से ऋषभ पंत, पता नहीं भाई साहब क्या फूक के जाता है टॉस करने। शनाका ने थोड़े दिन पहले 13 बोलों में 48 रनों की पारी खेली, उसके बाद शनाका भैया ने अपना सैमसंग का नंबर आईपीएल फ्रेंचाइजीज को दे दिया है। क्या बोला तूने? ईशान किशन को रन बनाते हुए देख के पूरा हिंदुस्तान खुश है, लेकिन अंबानी फैमिली तिलमिलाई हुई है भाई साहब। जिस कंसिस्टेंसी से ऋषभ पंत टॉस हारा है 4-4, मुझे लगता है 5वें मैच में ये हेड और टेल नहीं बोलेगा, ये बोलेगा निम्टा टोसरस टेल मी। वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, दबाकर लाइक और सेट ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए, और वीडियो को शेयर जरूर किया करें, क्योंकि ये वीडियो बनाने में ऋषभ पंत की बैटिंग से ज्यादा टाइम लगता है भैया जी। थैंक यू सो मच, गुड बाय। नहीं नहीं नहीं, बात बात बात, अरे नहीं भाई।